हरे कृष्णा भैया, तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आपको एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है इस गिरावट वाले बाजार में भी। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, टेक्निकल एनालिसिस बहुत बढ़िया रहता है भाई, चीज़ों को समझना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सब वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, रिलायंस में एक चीज़ देख लीजिए, आपकी लास्ट का जो बाइंग का जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, लास्ट में कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को आप देख करके याद रखिएगा कि हाँ क्या है। अब इसका चलते हैं हम लोग डिलीवरी परसेंटेज पे। जो लोग टेंशन में हैं उनको ये चीज समझना है कि डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखोगे बॉस यहाँ पे, तो देखो आज का 72.36%, मतलब बहुत लोग आज कंफ्यूज हैं कि भाई कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देखो टेंशन वाला कोई चीज नहीं है, निफ्टी को गिराना था भाई। निफ्टी को गिराने के लिए कौन से स्टॉक को सबसे ज्यादा, सबसे सब जितना लोग हैं सब पकड़ कर इसको गिराएगा, रिलायंस को गिराएगा, TCS को गिराएगा, HDFC को गिराएगा, यही सब स्टॉक निफ्टी को गिराता है। और ये अच्छा हुआ कि थोड़ा सा निफ्टी नीचे साइड में आया, ताकि इसको ऊपर जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, मैं पॉजिटिव हूँ इसको लेकर के, इसलिए मेरा मतलब अपना थिंकिंग है, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये आप लोग को भी रिकमेंड किया जा रहा है। अब इसका देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट में जो बाइंग हुआ है, तो क्या ये इतना जबरदस्त वॉल्यूम आपसे और हमसे हुआ है? नहीं, इसमें बड़ा प्लेयर ही तो अपना एंट्री बनाता है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि देखो इसको एक नीचे लेवल पे लाया गया, ताकि आप यहाँ पे अच्छा जगह पे बाइंग क्रिएट किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे बाइंग हो गया है, तो अब कल एक बार ग्लोबल देखेंगे कि क्या ग्लोबल सिनेरियो रहता है। उसके बाद इसमें अगर थोड़ा सा भी और बुलिशनेस दिखा, तो अच्छा खासा इसमें पोजिशन आपका बन करके आगे साइड में जा सकता है। अभी रिलायंस में ये नहीं हम लोग कह सकते हैं कि पैनिक सेलिंग है। रीजन क्या है, ये जो लेवल है पिछले बार मतलब 2900 के आसपास से, 2900 के आसपास से बार बार इसमें बाइंग आ रहा है। ठीक है, तो 2900 के आसपास अभी पहले तो टूटा नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा, 2900 जब टूटेगा तभी समझा जाएगा। अब उसके बाद भी एक इसमें आपका सपोर्ट बनता है, बहुत मेजर सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपका इस जगह पे है 2850 2854 के आसपास, तो यहाँ पे भी बनता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें पैनिक सेलिंग आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, स्टॉक्स 2% 3% नीचे आता है, थोड़ा सा निफ्टी, और निफ्टी का खास करके ये जो पसंदीदा स्टॉक है रिलायंस, वो 3% गिरता है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक, लेकिन गिराया जा सकता है, एक दिन दो दिन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे यही है कि ज्यादातर लोग इसको बाइंग में ले करके गए हैं, डिलीवरी करके गए हैं, तो थोड़ा सा उसमें हम लोग भी हो सकते हैं और बड़े प्लेयर भी हो सकते हैं। उन्हीं लोग का ये पोजीशन आपको दिख रहा है, टेंशन नहीं। कल अगर कुछ गिरता है, और ये जो लेवल है 2900 का लेवल अगर टूटता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए आपको टेंशन हो सकता है कि 2900 का लेवल टूट गया है, हो सकता है कि और नीचे गिरे। लेकिन जब तक 2900 का लेवल पे अभी है, उससे ऊपर है, तो टेंशन उतना नहीं लेना है। ठीक, अब रहा उसके बाद एक अगला स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, उसको भी देखिएगा। देखिए मदरसन अगला स्टॉक है, मदरसन में ये जो लेवल देख रहे हैं भाई, आप देख रहे हो ना, ये 211 वाला लेवल, मतलब 210 के ऊपर, 210 पे इसका बहुत बढ़िया आपका सपोर्ट बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था, सॉरी, वो सपोर्ट में बन करके तैयार हो गया। ठीक, अब यहाँ से अगर एक अपसाइड का मूव दिखाता है, तो इसमें बहुत बढ़िया एक नया प्रेस हाई मिलेगा, अच्छा खासा इसमें पोजिशन लोगों का बन रहा है, वॉल्यूम वगैरह भी थोड़ा ठीक ठाक जा रहा है इधर, तो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। अब इसका क्या रीजन, एक सिंपल रीजन है कि बहुत दिनों के बाद एक डब्लू पैटर्न के साथ थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन देख लीजिए, और उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ है, तो इस ब्रेकआउट का मतलब अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। कब, जब ये वापस से जैसे यहाँ पे रिटेस्ट आपको कर रहा है, जब ये जगह पे आप देखिए रिटेस्ट, यहाँ पे ये जगह पे रिटेस्ट हो गया है, एकदम प्योर प्राइस एक्शन है, और यहाँ से अगर निकलने लगता है, तो फिर समझिए कि इसमें एक बढ़िया आपको फेस हाई मिल जाएगा। तो मदरसन को भी आप देख लीजिएगा, सिर्फ 211 रुपए के आसपास का स्टॉक है, और एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उन्होंने भी इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाया है कि एक अच्छा पैटर्न के बाद, एक अच्छा प्राइस एक्शन के बाद बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक अच्छा खासा अब मूवमेंट आपको दिखे। और एक चीज है, जो प्राइस एक्शन सीखते हैं वो बताइए कि ये कौन सा पैटर्न बना है यहाँ पे, कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये बुलिशनेस साइन दिखाता है। तो इस स्टॉक को भी देख सकते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगला जो स्टॉक है, जो अगला स्टॉक है भाई, वो है पंजाब नेशनल
बैंक पीएनबी, देखिए पीएनबी को आप देखिएगा यहाँ पे तो एक बढ़िया सा सपोर्ट के आसपास, देखिए यहाँ पे किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है, बस वही चीज मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी कुछ पे ध्यान मत दीजिए, प्राइस एक्शन प्लस कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, स्विंग ट्रेडिंग बहुत बढ़िया रिटर्न बना सकते हो आप, और कुछ नहीं है। अब जैसे मैं जो शेयर बोलता हूँ तो मैं भी उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि बस आपको बोल दिया कि चलो आप देखते रहो अपना, नहीं। अब देखिए इतना अच्छा पैटर्न है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट, फिर से यहाँ पे सपोर्ट, अब देखिए फिर से यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया, कुछ दिन यहाँ पे इंतजार किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट करने का, ब्रेक डाउन करने का कोशिश भी किया, लेकिन वापस से अच्छा खासा रिकवरी। अब इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 110 के आसपास, तो समझिए कि एक अच्छा खासा आपको एकदम सीधा आपको 115 118 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद अगर इसको यहाँ पे भी एक थोड़ा सा नॉर्मल सा रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 118 20 के आसपास भी अगर इसको तोड़ देता है, ठीक है, तो फिर आपको सिंपली यहाँ पे एक 130 के आसपास दिख जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा इसका मूव दिख रहा है। स्टॉप लॉस का अगर इसका हम लोग बात करेंगे तो ये जो लेवल है यहाँ से मात्र 2 से 3 रुपये यहाँ पे बन सकता है, अगर इसको ब्रेक कर करके क्लोज हो जाए तो फिर इसमें से निकल जाने का रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपको इस लेवल पे सीधा 95 96 के आसपास इसका स्टॉप लॉस बनेगा। तो स्टॉक्स बढ़िया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और जैसे आज का जो गिरावट भी रहा उसमें भी ये बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 1.5% के आसपास शायद, हाँ 1.84% के आसपास ये गिरा है। तो प्राइस एक्शन यही दिखा रहा है कि इसमें एक अच्छा खासा ऊपर साइड में अगर ब्रेक करता है थोड़ा सा भी मैटर पॉजिटिव होता है। और देखो ये जो डाउन आज आया है उसका रीजन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्यों है क्या है, बस एक जापान का न्यूज है कि वहां पे इलेक्शन का रिजल्ट आया और क्या क्या हुआ, तो बस वहीं पे वहां का न्यूज है। और बाकी अगर थोड़ा सा सोचोगे तो जो लड़ाई का सीन उधर चल रहा है तो उसका है, तो भाई इससे बड़ा बड़ा लड़ाई कंट्रोल हो गया तो ये भी हो जाएगा। और अभी ही मौका है बहुत सारा स्टॉक आपको सपोर्ट पे लेने का, जो लॉन्ग टर्म करने वाले हो या फिर कम से कम पोजिशनल करते हो अच्छा खासा समय ले करके, तो उनको ये सब चीज से डरने का जरूरत नहीं है। 200 300 पॉइंट निफ्टी गिरेगा, अच्छा है गिरने के लिए, ताकि निफ्टी 50 का आपको स्टॉक में अच्छा खासा एंट्री बनाने का मौका मिलेगा। तो ये लेवल को देख लीजिएगा, तीनों स्टॉक है, रिलायंस है, वो है। आपको क्या लगता है रिलायंस का क्या मूव हो सकता है? हम लोगों को तो बस यही लग रहा है कि ऑपरेटर उसको किसी न किसी तरह से डाउन कर करके दिखा रहा है, एक नीचा लेवल पे ला करके फिर से बाइंग होगा, यहाँ पे जो कमजोर दिल के रिटेलर रहेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको समझ में आता है कीजिएगा अपने मन से। यहाँ पे बस इस चैनल के माध्यम से आपको एक तरह से सुझाव दिया जाता है, दिखाया जाता है कि इसमें इस तरह का पैटर्न बन रहा है, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। हरे कृष्ण।